वो टीजी टीवी देगा, अब मानेंगे नहीं, देगा पीजी टीवी, वो देगा भर। भीड़ बहाने वाले हर जगह रहते हैं, तो मैं उन लोगों से निवेदन करूं जिनके पास बीएड नहीं है, तो आपको लगता होगा हाय राम मेरा दुर्भाग्य है, पर आपका सौभाग्य है कि आप बीएड नहीं हो। कम से कम एक चीज़ है ना क्लियर, आपको पता है कि भैया हमारे झोली प्रवक्ता है। अब सितंबर में 27, 28, 29 डेट है, इसी में पीजी टीवी होना है, टीजी टीवी। तो जो आदमी अभी से प्रवक्ता पढ़ेगा वही ना सितंबर में अच्छा करेगा, और जो आदमी सोचे कि नहीं सवेरे पीजी टी पढ़ो संध्या के टीजी टी पढ़ो, पंडित जी आपको नहीं है बेटा। मेरा मतलब सिर्फ ये है, कोई आदमी ऐसे ज्ञान की दृष्टि से बैठना चाहे बिल्कुल बैठे पढ़े, इतनी सीटें खाली हैं, क्या हमारे सिर में थोड़ी बैठेंगे आप? हमें यहाँ से उतना बोलना है, दो लोग रहेंगे तब भी, 100 लोग रहेंगे तब भी, आपके बैठने से मेरा रत्ती मात्र नुकसान नहीं बल्कि फायदे है, ज़्यादा लोग रहोगे तो ज़्यादा मजा आएगा। पर सलाह मुझे देना चाहिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो लोग बीएड हैं वो प्रवक्ता नहीं दे सकते, ऐसा नहीं। यदि आप बीएड भी हैं और केवल प्रवक्ता में सीरियस हैं तो फिर सवेरे से संध्या भर प्रवक्ता पढ़ो, क्योंकि 2 से 3 महीने जो बचे हैं इनमें से प्रवक्ता का सिलेबस इतना है कि अपने पास समय नहीं है। तो आप बीएड हो गए तो प्रवक्ता नहीं दे सकते, ऐसा नहीं है, आप फिर सब छोड़ के प्रवक्ता दो। और यदि बीएड है एलटी देना है तो सब छोड़ एलटी पढ़ो, फिर 29 जुलाई बाद सब छोड़ तब टीजी भी पढ़ो। और यदि कोई आदमी थोड़ा सा कभी एलटी, कभी प्रवक्ता, कभी पीसीएस, कभी आईएएस, आप एक्स्ट्रा टैलेंटेड हो, हम ये नहीं कह सकते कि आप पास नहीं हो सकते, लेकिन मेरे ख्याल से आप अपने साथ अच्छा नहीं कर रहे। ठीक हो गया? तो मैं बहुत बार इस बात को कहता हूँ, एक बार फिर से कह दूँ, जैसे मान लीजिए हमारे पास 100 किलो बल है, 100 किलो बुद्धि है, तो यदि 10 किलो भी हम लोग टीजीटी में खर्च कर देंगे, टीजीटी पीजीटी चक्कर में, तो 90 किलो हो पाएगा ना प्रवक्ता में। और जब कहीं नहीं रहेगा, कोई ध्यान नहीं रहेगा, तो 100 का 100 किलो पूरी ताकत लगाएंगे किसमें? मान लो कोई भारी चीज़ उठानी हो, आप एक हाथ से उठाएं ज़्यादा ताकत लगेगी, और दोनों हाथ से उठाएं आसानी से उठा लेंगे। मेरा मतलब है 5 इंद्रियाँ हैं, 5ों इंद्रियों को, ज्ञानेन्द्रियों की बात कर रहा हूँ, 5ों ज्ञानेन्द्रियों को आप टीजीटी दे रहे हैं तो टीजीटी में लगाइए, एलटी दे रहे हैं तो एलटी में लगाइए, प्रवक्ता दे रहे हैं तो प्रवक्ता में लगाइए। बैठ करके जैसे मान लो यहाँ आधे एक घंटे आपको लगता हो कि नहीं चलो सुन लेते हैं, सुनने में कोई बुराई नहीं है, ज्ञान की चीज़ें पढ़ी रहेंगी शायद कभी काम ही देगी, तो मैं पढ़ने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ। कुछ लोग ये सोचें कि हाय राम सर को बड़ी दिक्कत है कहाँ हमारे बैठने से, नहीं हमें काहे दिक्कत है। ठीक है ब्रजभूषण जी, कोई समस्या नहीं है। चलिए तो मैं कादंबरी का एक पैराग्राफ देखूं, चूँकि आज हमें पुस्तक के संदर्भ में जो एलटी वाली पुस्तक आ रही है उसके कवर पेज की बाइंडिंग के संदर्भ में कुछ बताना है, क्योंकि वो बाइंडिंग ऐसी कर देते हैं कि पंच मार देते हैं तो जब हम लोग खोलते हैं तो किताब फट जाती है, तो मैं चाहता हूं कि बाइंड होने के पहले मैं रहूं ताकि उनको बता पाऊं कि भाई साहब थोड़ा देर में दो चलेगा, पर लहाए के बाइंडिंग करो। ठीक है, तो एक पैराग्राफ आप ले लीजिए, कल तक हम लोगों ने पढ़ा था, यस से चार हृदय स्थितान अपि पतिन दिधक सूर्य प्रतापान लो वियोगिनी नाम अपि रिपुसुंदरी नाम अंतर जनिता हो दीवानिशम जज्ज्वाल ना, यहीं तक पढ़े थे। अब इसके आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है जो आपको देखना चाहिए और इसको पढ़ना चाहिए, बोले यस्मिंश्च राजनि जित जगति परिपालयति महीम चित्रकर्म सुवर्ण शंकराः रतेषु केशग्रहाः काव्येषु दृढ़बन्धाः शास्त्रेषु चिंता
स्वप्नेषु विप्रलम्भाः छत्रेषु कनकदण्डाः ध्वजेषु प्रकम्पाः गीतेषु रागविलासितानि करिषु मदविकाराः चापेषु गुणच्छेदाः गवाक्षेषु जालमार्गाः सस्यकृपाणकवचेषु कलङ्काः रतिकलहेषु दूतसम्प्रेषणानि सार्यक्षेषु शून्यगृहाः न प्रजानाम् आसन् प्रजानाम् प्रजाओं में नहीं थी। आसीत आस्ताम आसन अस धातु है, भूतकाल वाला लल्लकार है, प्रथम पुरुष का बहुवचन। प्रजानाम न आसन, प्रजाओं में यह नहीं था, प्रजाओं में यह नहीं था पर कहीं कहीं था। ठीक हो गया। तो अब इसको आप ऐसे देखिएगा, यस्मिन राजनी, पहला सेंटेंस है ना, यस्मिन राजनी, यस्मिन यह शब्द है सप्तमी का एक वचन है और राजन शब्द का सप्तमी एक वचन है राजन। तो जिस राजा के जित जगती, जिस राजा ने जगत को जीत लिया था, जित जगती माने जगत के जीत लेने पर, और परिपालयति महीम, महीम माने परिपालयति माने पालन करते रहने पर। कौन सा राजा है जो सारे जगत को जीत करके धरती का पालन कर रहा है? तो मान ने कहा ऐसा एक सुद्रक नाम का राजा था, यस्मिन च राजनी, जिस राजा के द्वारा जित जगत जगत के जीत लिए जाने पर, और महीम परिपालयति पृथ्वी का हमेशा पालन करते रहने पर। अब क्या क्या था, थोड़ा ज्यादा हो गया है, आवाज ज्यादा हो जाए तो बताइएगा। कितना समझ में आ गया? यस्मिन च राजनी, जिस राजा में जित जगति जगत को जीत लिया था, और महीम परिपालयति अथवा परिपालयति महीम, धरती के पालन करते रहने पर, प्रजानाम न आसन पर चित्रकर्मसु वर्ण संकराः आसन, चित्रकर्मसु वर्ण संकराः आसन, लेकिन वर्ण संकराः प्रजानाम न आसन। अन्वय बन गया, वर्ण संकरता, वर्ण माने रंग और संकर माने मिलना, तो रंग मिलते थे। जैसे आप सफ़ेद मिलाएं, सफ़ेद में थोड़ा पीला मिला दें तो थोड़ा सा डिफरेंट कलर बन जाता है, नहीं रेड में हल्का सफ़ेद मिला दें, हरा मिला दें, काला थोड़ा थोड़ा मिला दें तो थोड़ा डिफरेंट कलर बन जाता है। तो जितने भी आप यहाँ डिफरेंट कलर देख रहे हैं तो वो सब कलर मिक्सचर से बना है, यानी सब वर्ण संकर से बना। जैसे मैं जो कुर्ता पहना हूँ, ना तो ये येलो है और ना ही पूरा सफ़ेद है, कुछ कुछ येलो है और कुछ सफ़ेद है, अर्थात ये वर्ण संकर कुर्ता है। कैसा है? पर प्रजाओं में वर्ण संकरता, जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय से विवाह कर ले और जब पुत्र पैदा हो तो वो वर्ण संकर होगा, या क्षत्रिय शूद्र कन्या से विवाह कर ले, या कोई शूद्र जाति का व्यक्ति ब्राह्मण कन्या से विवाह कर ले, फिर जो पुत्र पैदा होगा वो वर्ण संकर होगा। बाण ने लिखा कि शूद्रक के राज्य में प्रजाओं में कोई वर्ण संकर नहीं था, लेकिन रंग में वर्ण संकरता थी, माने लाल रंग पीले रंग से मिल सकता था। ये तो शूद्रक के राज्य में खूब चित्रकारी होती थी, झनाझन लोग रंग मिलाते थे, लेकिन लोग ब्राह्मण शूद्र और वैश्य, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में संकरता नहीं थी। ब्राह्मण ब्राह्मण के साथ, क्षत्रिय क्षत्रिय के साथ, वैश्य वैश्य के साथ, शूद्र शूद्र के साथ विवाह कर्म होता था, अपने अपने परिवार में, अपने अपने सिस्टम में लोग वैवाहिक संपर्क करते थे और उनसे ही। तो वर्ण संकरता प्रजाओं में नहीं थी, जबकि एक अर्थ वर्ण का रंग भी होता है। तो चित्रकर्मशु, चित्रकर्म में या चित्रकारी में या चित्र बनाने में वर्ण संकरता थी। ठीक हो गया।
देखिए जो मैडम ने कपड़ा पहना है ये क्या काला है, पीला है, सफेद है, वर्ण संकर है, कैसा है? तो चित्रकारी में वर्ण संकरता है पर प्रजाओं में नहीं थी। कर लेंगे इसको, समझ में आ गया? और नहीं तो यदि चित्रकारी में वर्ण संकरता नहीं होती तो जो शुद्ध रंग है जैसे लाल है लाल भर होता, सफेद है पूरा सफेद होता, पीला है तो पूरा पीला होता, और उसमें हम कोई कलर मिक्सचर नहीं कर पाते। इसीलिए सात रंग हैं पर आप कपड़ा खरीदने जाओ देखो कितना दुकानदार रंग दिखाता है ना, इतने कलर डिजाइन, इतनी कलर डिजाइन है कि आप देखते रह जाओगे। बात समझ में आ गई? आगे कहा रते सुकेश ग्रहा, रति में प्रेम में स्नेह में केश ग्रहण होता। रते सुकेश ग्रहा माने रति काल में प्यार से लोग एक दूसरे का बाल पकड़ते थे, तेरी जुल्फों में मर जाए जाने मन, तो ऐसे करके जुल्फ में आप हाथ फेरे, तेरी जुल्फों की घनी साया में मैं अपनी जिंदगी गुजार दूं, ऐसे करके लोग जुल्फों के साये में रहना चाहते थे। चंदन ज्यादा समझ रहे हैं, माने रति काल में प्रेम से दुलार से प्यार से रति में केश ग्रहण होता था, पर ऐसे झुटा झुटवल कभी किसके राज्य में? शूद्रक के राज में। माने सास पतोहू झोटा पकड़ पकड़ के सबको पटक पटक के मारे ऐसा नहीं होता था। तो ये सब लोग जो लोग ऑफलाइन बैठे हैं वो भी सुन लें, जो लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं वो भी सुन लें कि शूद्रक के राज में कभी सास पतोहू का झोटा झटवल नहीं होता था, पति पत्नी का भी कभी केसर ग्रहण मारने पीटने के लिए नहीं होता था, प्यार करने में होता था। समझ में आया? हाँ, वो सारे जुल्फे वाले गाने जितने हैं सब आप इसमें फिट कर सकते हैं ना। एक आध सुनाएंगे चंदन जी? काली घटा ये तेरे बाल क्या है घने घने, सावन घटा घिर जाए जो तेरे बाल लहराए, वगैरह वगैरह। तो इनको आप देख लीजिएगा, ये भी सब पढ़ने की चीज है। तो रतेषु केशक ग्रहाः प्रजा नाम न आसन, रतेषु केशक ग्रहाः आसन लेकिन प्रजा नाम न आसन। कब? जित जगति च परिपालेत यस्मिन शराधने, जित जगति परिपालेत च महीम, चित्र कर्म सुवर्ण संकराह आसन लेकिन प्रजा नाम वर्ण संकराह न आसन। आगे कहा रते सुकेश ग्रहाह आसन लेकिन प्रजा नाम केश ग्रहाह न आसन। केश ग्रहण का मतलब लड़ाई झगड़ा, तो बाकी समय में कोई किसी का केस पकड़कर जटा जुटा हुआ बाल पकड़ करके लड़ाई गाली गलौज मारपीट इस प्रकार का नहीं होता था। आगे कहा काव्य सुदृढ़ बंधा, काव्य सुदृढ़ बंधा, काव्य में दृढ़ बंधन हुआ करता था कि भाई वंशस्थ है तो इतने अक्षर होना चाहिए, इंद्र वज्रा है तो इतना होना चाहिए, यहाँ यति होना चाहिए, यहाँ विराम हो, इस प्रकार का बंधन काव्यों में होता था। काव्यों में ही तो ऐसे बंधन है, फलाना छंद है, ये सुर ऐसे चलेगा, ये मध्यम चलेगा, वगैरह वगैरह इस प्रकार की जो आप। तो इन्होंने कहा कि काव्य सुदृढ़ बंधा लेकिन प्रजा नाम दृढ़ बंधा न आसन। भाई कोई प्रजा यदि दुष्टता करे तो पुलिस वाले आकर के क्या करते हैं? बांधते हैं। तो किसी भी प्रजा को बांधा नहीं गया था, दृढ़ता के साथ बंधन नहीं हुआ था किसी भी प्रजा का, क्योंकि कोई भी प्रजा ऐसा काम ही नहीं करता था जिसको बांधा जाए, जिसको जेल जाया जाए, जिसके हाथ में हथकड़ी लगाई जाए, जिसको जंजीर पहनाई जाए, जिसको बांध के मारा जाए, ऐसा प्रजा नाम न आसन, ऐसा कोई भी व्यक्ति प्रजाओं में। लेकिन काव्यों में दृढ़ बंधन था, ठीक है, छंद ऐसे होंगे, इतने अक्षर पर यति होगी, यहाँ पर विराम होगा, ये बंध होगा, मुरज बंध होगा, फलाना बंध होगा, ढमाका बंध होगा, काव्यों में बंधन था, काव्य में स्वतंत्रता नहीं थी। लेकिन प्रजा नाम दृढ़ बंधा न आसन यस्मिन शराजनि जित जगति परिपालयति च महीम, यस्मिन शराजनि जित जगति परिपालयति महीम, चित्रकर्म सुवर्ण संकराः आसन लेकिन प्रजा नाम वर्ण संकराः न आसन, रते सुकेश ग्रहाः आसन और प्रजा नाम केश ग्रहाः न आसन, काव्येषु दृढ़बन्धाः आसन
लेकिन प्रजानाम दृढ़बंधा न आसन, यहाँ से न आसन ले लेना, न प्रजानाम आसन, आखिरी पंक्ति है न प्रजानाम आसन। आगे कहा शास्त्रेषु चिंता आसन, शास्त्रेषु चिंता, लेकिन प्रजानाम चिंता, प्रजाओं में और कोई चिंता ही नहीं थी, प्रजाओं को किसी बात की चिंता नहीं थी कि हमारा एलटी निकलेगा कि नहीं निकलेगा, हमारी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी। जैसे वेद प्रकाश को चिंता है कि 2019 में हमारा बिया होगा कि नहीं होगा, केवल शास्त्र में चिंता थी, शास्त्र के सिवाय और कोई चिंता नहीं थी। लोगों को ये चिंता थी कि मैं निरुक्त शास्त्र पढ़ा कि नहीं पढ़ा, लोगों को चिंता थी कि मैं शिक्षा शास्त्र पढ़ा कि नहीं पढ़ा, लोगों को चिंता थी कि मैं वेद पुराण को पढ़ा कि नहीं। जो हमारे यहाँ 6 शास्त्र हैं, शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष इत्यादि, इनके पढ़ने की चिंता थी, माने स्वाध्याय की चिंता थी, शास्त्र पढ़ने की चिंता थी, शास्त्र पर चिंतन था। ऐसे लोग नहीं थे कि कोई चिंता नहीं थी तो पढ़ाई लिखाई की चिंता नहीं थी। आप पढ़ने की चिंता करो लेकिन बाकी चिंता ना करो, यही बात है ना, शास्त्रे सुचिंता आशन, लेकिन बाकी प्रजानाम कोई चिंता ना आशन। कर लेंगे, बड़ा सिंपल है, लेकिन पूछेगा आपसे परीक्षाओं में कि शूद्रक के राज्य में लोग किसमें चिंता करते थे, शास्त्र में, और कहीं भी चिंता। शूद्रक के राज्य में केशव ग्रहण कहाँ होता था, रति क्रीड़ा में केशव ग्रहण होता था, बाकी जगहों पर। आगे कहा स्वप्नेषु विप्रलम्भाः, स्वप्नेषु सप्तमी का बहुवचन, स्वप्न में, सपने में लोग एक दूसरे से अलग होते थे। विप्रलम्भ माने अलग होना और संयोग माने मिलना, तो सब लोग मिले ही रहते। कभी कभार आपने देखा होगा कि आप अपने बीवी बच्चों के साथ हैं लेकिन सपने में ऐसे लगता है कि जैसे आप लखनऊ चले गए हैं, आपकी बीवी घर में, आप लेते रहते हैं साथ में लेकिन ऐसा लगता है कि हम दूर हैं, इलाहाबाद में हैं और हमारी सहवाइन गांव है। समझ रहे हैं साहब, ऐसा सपने में होता था। अर्थात कोई आदमी नौकरी चाकरी के चक्कर में कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं होती थी, उसका गांव, उसका नगर, उसका शहर इतना संपन्न होता था कि कहीं कमाने के लिए विदेश जाने की जरूरत होती ही नहीं। और यदि आप विदेश नहीं जा रहे हैं तो केवल सपने में विप्रलम्भ होता था, सपने में ही वियोग होता था, सपने में ही एक दूसरे से बिछोह होता था। जगने के बाद, जैसे सपने में आप बहुत सारी चीज़ें देखते हैं जो जगने के बाद हकीकत नहीं होती, तो जगने के बाद आप अपने माँ के साथ होते हैं, अपने पिता के साथ थे, अपने बच्चों के साथ थे, अपनी पत्नी के साथ थे, अपने घर द्वार, बाबा, चाचा, नाना, काका, सबके साथ हैं। सपने में कभी कभी ऐसा लगता था कि जैसे मैं किसी से बिछड़ गया अथवा हमसे कोई बिछड़ गया। तो कहा स्वप्ने से विप्रलम्भा आसन प्रजानाम ना आसन, प्रजाओं का कभी कोई वियोग। सवाल समझ समझ में आ रहा है, सवाल यहीं से बनेगा कि शूद्रक के राज्य में वियोग कब होता था अथवा स्वप्नों में क्या होता था, शूद्रक के राज्य में स्वप्न में प्रजाओं में क्या होता था, सपने में ही वियोग होता था, हकीकत में कभी कोई किसी से बिछड़ता नहीं था। आगे कह रहे हैं छत्रेषु कनक दंडाः, छत्रेषु कनक दंडाः आसन और प्रजानाम ना आसन, प्रजानाम ना आसन। तो जो छत्र में धूप बहुत होती है या पानी बहुत बरसता है तो हम लोग छाता लेते हैं, छाता में एक डंडा लगा होता है। आजकल का डंडा हो सकता है लोहे का लगा हो या तो लकड़ी का लगा हो। छाता देखेंगे इस प्रकार, आपको इसलिए पूछ रहे हैं कि आपको जरूरत है, छाता लिया करिए। छाते में डंडा होता है, क्या होता है, तो वो छाते में जो डंडा होता था ना, वो कनक दंड होता था। किसका होता था, हाँ, तो अब आपकी माँ इससे आप समझ रहे हैं कि जब तुम्हारे छाता में सोने का डंडा लगा है तो मेहरारू के नकुरा बिना सोने के ना होई। जिसके पास इतना पैसा है कि छाता में सोना का डंडा लगवाए है तो अब ये बताने की जरूरत है कि मेहरारू के नकुरा में फुल्ला पहनाए हैं, काने में इतना बड़ा छम्मक छल्लो पहने हैं, एक तो हार पहने हैं, पायल पहने, ये बताने की जरूरत नहीं। जब हमारे पास इतना सोना है कि छातों में कनक दंड है, वो दंडा जब सोने का है तो जब इल्ली तिल्ली अगल बगल लगी रहती सब काहे के होंगी, सोना होगा,
बोलो हाँ, हो सकता है सोने से महंगा कोई हीरा मोती कोई कीमती सामान और हो। इससे ये पता चलता है कि घर में उनकी पत्नी, उनकी बहन, उनकी माँ, बाकी लोग कितना संपन्न होंगे। क्योंकि आदमी सोने के टाठी, सोने के गिलास, सोने के छाता तब खरीदत है जब घरे के मनई का सोने से ऊपर से लेके नीचे तक लाभ देत है तब। तो इन्होंने इतना बता दिया कि छत्रेषु कनक दंडा, छातों में सोने के दंड हुआ करते थे, लेकिन प्रजाओं को कभी दंड नहीं दिया जाता था। हैं, दंड दिया गया कि 4 कोड़ा मारो, 5 साल की सजा दे दो, 10 साल तक बापूजी को अंदर कर दो, इनकी जमानत ना करो, राम रहीम को अंदर, ऐसा कुछ नहीं होता। दंड किसी को दिया ही नहीं जाता था, क्योंकि कोई आदमी ऐसे दंडात्मक काम करता ही नहीं था। इसीलिए लिखा जाता है यस्मिन शराज निजित जगति परिपालयति महीम, जिस राजा के मही का पालन करते रहने पर सारे जगत को जीत करके शूद्रक ने जो धरती का पालन किया, इतना अच्छा सिस्टम बनाया कि वहाँ कोई आदमी दंड का पात्र होता ही नहीं। दंड का पात्र तब होगा जब गलती करेगा, अपराध करेगा, तब ना, समझ में आ गया। तो छत्रेषु कनक दंडाह आसन, लेकिन प्रजाओं में कनक दंडाह ना आसन। अब आपने एक पुरानी बात सुनी होगी ना, कभी कभी जुर्माना लगता है। जुर्माना भी किसको लगता है? जैसे मान लीजिए आप कोई गलत काम कर रहे हो, व्यवसाय कर रहे हो और GST का बिल ना भर रहे हो। आपने बहुत बड़ा व्यापार जैसे रोटोमैक कंपनी वाले ने किया है, अथवा जैसे नीरव मोदी ने किया है ना, इन लोगों ने फ्रॉडगिरी की किसके साथ? आपके देश और बैंक के साथ। फ्रॉड क्या करते थे? ये अपने को दिखाते थे कि मेरे पास कुछ है ही नहीं, और बैंक लेते थे। जब बैंक से पैसा लेना होता था तो अपनी संपत्ति बहुत ज़्यादा दिखाते। बैंक लोन किसको देता है पता? बैंक लोन इसको देता है जिसकी अर्निंग बहुत ज़्यादा हो। तो बैंक से लोन लेते समय क्या दिखाया कि मेरे पास बड़ी संपत्ति है, बैंक ने बेअकूत लोन दे दिया। और जब देने की बारी आई तो क्या दिखाया कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, हम तो घाटे में चले गए, दिवालिया हो गए, बर्बाद हो गए। बैंक से फ्रॉड करने के कुछ तरीके कभी किसी एक्सपर्ट आदमी से पूछेगा, हम नहीं जानते। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताऊं, इन मायनों में दंडात्मक कार्यवाही के साथ साथ न्यायालय जुर्माना लगाता है। जुर्माना क्या लगता है? जैसे मान लीजिए एक छोटा सा उदाहरण है, यदि आपने 10 करोड़ रुपये उधार लिया और नियत समय पर आप नहीं उतार उसको किया, और केस कर दे आपके ऊपर और न्यायालय में केस चले और आप केस हारें, तो जितनी संपत्ति है उतना तो देना ही पड़ेगा, ब्याज भी आपको उसका देना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोर्ट कहेगी कि आप 5 करोड़ और दो। क्यों? ये जुर्माना है, ये कनक दंड है, अर्थात आपने इतनी फ्रॉडगिरी क्यों की। देखिए, जब तक आप पैसा जो लेते हैं वो लौटाते हैं, ब्याज देते हैं, तो आप गलत नहीं हो, 10 साल तक नहीं 20 साल में दोगे। और जब आप ये देना बंद कर देते हो तो मूल राशि विच ब्याज, ये तो बैंक का हक है, ये तो लेगा ही। दंड क्या हुआ? तो पहले सोना चलता था तो लोगों को कनक दंड मिलता था, 5 किलो सोना जमा करो, 10 किलो सोना जमा करो। किलो में आपको हड़बड़ी तो नहीं हो रही? पहले इतना होता था तो 10 किलो 15 किलो क्या है। अब हम लोग कहें कि नहीं, रत्ती भर सोना किस में मिलता है? तोला में है। तो अब ये तोला ग्राम चलता है, वो तोला ग्राम अब आज चलता है 2018 में। शूद्रक के ज़माने में जिसके छाते में डंडा सोना का होता था तो किलो कुंटल में चलता था। शिवराज म्यूजियम में आपने देखा होगा, एक तो घंटा टंगा था, याद आया सोमनाथ मंदिर, तो सोने की जंजीर में टंगा था, और सोने की जंजीर का भार कितना था तब? मान लो अब ऐसे मंदिर के पुजारी के ऊपर कहें कि आपके ऊपर 2 तोला सोना जुर्माना है, जिसके यहाँ 200 मन की जंजीर, सोने की जंजीर में घंटा लटक रहा है, उसका कहेंगे 2 तोला के जंजीर दे, बात समझ? ये कोई जुर्माना? उसके लिए जुर्माना होगा कि 1000 किलोग्राम जुर्माना, तब कुछ समझ में आएगा। पहले कनक दंड भी दंड के रूप में दिया जाता था, यदि आप कोई गलती आपराधिक प्रवृत्ति से करते थे, और ऐसी आपराधिक प्रवृत्ति जो लेन देन से जुड़ी होती थी, तो पहले के न्यायालय मूल ब्याज सहित कुछ दंड भी दिया करते थे कि इतना जुर्माना आपको। और आपने कोर्ट के कभी कभी ऐसे सुना होगा कि 5 साल की सजा और 5000 जुर्माना, सुना है? 10 साल की सजा और 50000 जुर्माना,
ये जुर्माना जो आजकल रुपयों में देख रहे हैं, ये किसी जमाने में कनक दंड के रूप में होता था। तो छातों में तो कनक दंड था, पर किसी भी प्रजा के प्राणी को सोने का दंड कभी देना नहीं पड़ा, अर्थात उसने कभी वित्तीय हेरा फेरी नहीं की। अब आगे कहा, ध्वजेषु प्रकंपाः, ध्वजाओं में तो कंपन था, पर कोई प्रजा किसी से डर के कांपता। कंपन कब होगा? जब हम किसी से भयभीत होंगे, किसी से डरेंगे। तो बोले ध्वजेषु प्रकंपाः, जो ध्वजाएं होती थी, पताकाएं होती थी, उनमें तो कंपन था, ध्वजा तो फहराती थी, ध्वजा तो लहराती थी, कंपन ध्वजाओं में था शूद्रक के राज्य में। लेकिन किसी को डरवा धमका करके कंपवा दें, हाँ कोई गुंडा टैक्स आके मांगे, रे 5 लाख दे देना, नहीं तुम्हारी बीवी बच्चे उठा ले जाएंगे, जितना कोई बता दे, तो आदमी कांप जाएगा, डर जाएगा, भयभीत हो जाएगा। ऐसा शूद्रक के राज्य में कोई भी गुंडा मवाली आकर के किसी को, किसी भी प्रजा को डराता धमकाता नहीं था। इसलिए प्रजाओं में प्रकंपाः न आसन, ध्वजेषु प्रकंपाः आसन। पताकाओं में तो फहराना था, कंपन था, लेकिन प्रजाओं में कभी किसी से डर करके कांपना नहीं था। और आगे कहा, गीतेषु राग विलासितानि, गीतों में राग होते थे। यमन राग है, ये दुर्गा राग है, सुने हैं, ये फलाना राग है। दिमाग कितने, कुछ लोग संगीत से जुड़े बैठे हैं, संगीत के जानकार कुछ बैठे हैं। आप यमन राग वगैरह सुने, कुछ राग तो आपको सुने हुई हो, गाते रहते हैं बाथरूम में घुसने के बाद। तो ये कुछ राग हैं और कुछ हाव भाव विलास हैं। नृत्य में हाव भाव विलास देते हैं आप, कभी भौहें चढ़ाते हैं, कभी मुस्कुराते हैं, तो किस भाव में आप नाच रहे हैं, तो नाचते समय आपकी भाव भंगिमा हाव भाव विलास मायने रखता है। ऐसे गाते समय आपका राग मायने रखता है कि किस राग में आप गा रहे हैं। तो बोले गीत नृत्य इत्यादि में तो राग विलास था, पर किसी प्रजाओं में राग विलास, समझ में आया, विलासिता कि विलासिता पूर्ण जीवन जिए, केवल भौतिक जीवन जिए, रागी हो जाएं, बहुत किसी में आसक्त हो जाएं, ऐसा जीवन शूद्रक के राज्य में किसी प्रजा का नहीं था। केवल गीतों में ही लोग राग का और हाव भाव विलास का इस्तेमाल करते थे। गीतेषु राग विलासितानि आसन, लेकिन प्रजा नाम ना आसन। करिषु मद विकाराः आसन, लेकिन प्रजानाम मद विकाराः ना आसन। करि माने, और करिषु सप्तमी का बहुवचन, हाथियों में तो मद बहता था, मद का विकार था, और हाथी को मद ना बहे तो कैसा हाथी। आपको बताया ना कि हाथी वही अच्छा माना जाता है जिसको मद बहता, जब तक मद बहता है तभी तक हाथी की जवानी है, मद बहना खत्म, लुल हो गया। जब तक मद नहीं बहता तब तक हाथी बच्चा है, मद बहना बंद हो गया, हाथी बुढ़ाने लगा। ये हाथी की पहचान है, जान लेना जो लोग हाथी को पालना चाहते हों। ऐसे ही जवान हाथी कब तक, जब तक मद विकार है तब तक। तो हाथियों में तो मद विकार था, लेकिन प्रजाओं में मदांधता नहीं थी, कोई विकार नहीं था। विकार माने दोष, और मद माने मद, आप समझते हैं, कभी तो लिए होंगे एक आध गिलास, एक आध बॉटल रम इत्यादि, कुछ तो लिए होंगे, नहीं लिए तो अच्छा देखे तो होंगे। आपका ध्यान किधर है बाबू, अंग्रेजी शराब की दुकान इधर है। हमारे घर जाते समय बहुत बार इस तरह के बोर्ड दिखाई पड़ते हैं ना, ऐसे ऐसे बोर्ड लगाए होते हैं, भाई साहब आपका ध्यान किधर है, अंग्रेजी शराब की दुकान इधर है, हाँ मधुशाला इधर है। तो कभी गए मधुशाला में, तो आप जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि प्रजाओं में मद और विकार, प्रजाओं में मद और विकार नहीं था, लेकिन हाथियों में मद विकार था। करिषु मद विकार, किसके राज्य में, हाँ यस्मिन चराजनि जित जगति परिपालयति महीम। क्या बोले, करिषु मद विकाराः आसन, प्रजानां मद विकाराः न आसन। चापेषु गुणच्छेदाः आसन, लेकिन प्रजानां गुणच्छेदाः न आसन। गुण का उच्छेद, चाप माने होता है धनुष और गुण माने होता है डोरी, तो धनुष में से तो डोरी का छेदन टूटना होता था, यानी बाकी लोग धनुष बाण लेकर के अभ्यास करते थे तो खूब तानते थे तो डोरी टूटती थी ना, तो धनुष में से तो गुण यानी डोरी का टूटना था,
लेकिन व्यक्ति के अंदर से गुणों का उच्छेद नहीं था कि कौनों गुण ना हो। व्यक्तियों से जैसे दया गुण है, दयालुता गुण है, बुद्धि होना गुण है, तो ये जो दयालुता इत्यादि गुण है ये प्रजाओं में से गुणच्छेद नहीं होता था। चाप यानी धनुष से ही डोरी का उच्छेद, समझ में आ गया गुणच्छेद। तो गुण के दो दो अर्थ आप समझ रहे हैं, एक गुण का मतलब डोरी और एक गुण का मतलब जो दयालुता इत्यादि गुण। तो कभी भी प्रजाओं के अंदर से गुण का उच्छेदन नहीं होता था किसके राज्य में, लेकिन शूद्रक के राज्य में गुणच्छेद होता था चाप में, धनुष में। इसका मतलब लोग धनुष बाण चलाते थे, बोले कि सर हमारे धनुष बाण की तो डोरी नहीं टूटती, जब तू धनुष बाण चलाओगे तब ना डोरी टूटे। बोले सर किसी ने कहा कि सर हमारी गाड़ी 5 साल की हो गई अभी उसी तरह टंटनुहा नहीं रखी है। बोले कहाँ रखी, बोले घर में। रहता कहाँ, इलाहाबाद में। घर में मम्मी है तो मम्मी तो वहाँ बुलट चढ़ी ना, तो 5 साल नहीं 15 साल बाद भी टंटनुहा रखी रहेगी। बड़ी बात है कि आप ये बताओ कि भाई अच्छा कोई भी आदमी जैसे कहता ना कि देखो हमारी साइकिल नहीं है, हम ये नहीं कहते कि साइकिल नहीं नहीं हो सकती। अब जिसको 18 घंटे साइकिल से दौड़ना है, रेता रेत चलाना है, तो ओकर टायर पंचर हो, और जौन आदमी ले जाके टायर धो धो के पहुँच के ले जाके फर्श में ठाड़ करके पंखा चलाए है, उसकी साइकिल में कभी कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। कुछ लोग नई नई साइकिल गांव में खरीदते हैं तो 3-4 बार सवेरे पहुँचे, दोपहर पहुँचे, फिर 4 बजे पहुँचे, पूरे संध्या पहुँचे, और अम्मा के साड़ी ओढ़ावें, और फिर सबको दिखावें कि देख हमारा साइकिल नहीं है। बचपन में हम लोग जब कभी कभी गांव में नई नई साइकिल आती थी तो मनई टायर के खोद खोद के पूरा जो टायर में घुसा रहा है वहूँ को मनई पानी डाले धो गए। नई नई साइकिल रहा है ना, अब इतनी तमीज नहीं आ कि भाई साइकिल लेके जागो तो टैलवा घूम भी तो चले, फिर से गंदा हो, फिर गंदा हो, फिर दो मन। लेकिन साइकिल नहीं होनी चाहिए गुरु, समझ में आया। तो आपने भी बचपन में कभी अपनी साइकिल को पहुँचे होंगे, मने तेल और लगाए के एकदम नया करे, झकाझक सीट टूट पहुँचे, खूब चलावे, कैंची चलावे, फिर डंडा चलावे, फिर सीट में बैठाए और दूर से चिल्लाए हटे रे हटे नहीं चला दे, ऐसी साइकिल चले। और गाँव में एक सिस्टम था कि साइकिल से जब तक न गिर हो, हाथ गोड़ थोड़ा चोट ना लगे तब तक न बने, तो साला एक सिस्टम ऐसा कहीं लिखा नहीं, ये एक हवा हवा बना है कि माने जब गिरे तो जब लड़का गिर जाए घुटना उठना फूल जाए तो मैंने कहा कि अब तो उसे बन गई। सही है, हर आदमी जिससे थोड़ा बहुत बने लागे वह सिखावे लागे, सब सिखावे। देखिए गाँव में आपने तैरना, पेड़ में चढ़ना, साइकिल चलाना, इनकी कोई ट्रेनिंग ली? इलाहाबाद, दिल्ली, बनारस, बम्बई वाले जो हम लोगों के साथ में पढ़े लिखे कुछ लोग मुंबई चले गए, तो जब हम लोग पेड़ में चढ़ने वाला खेलें नीचे लटकियाँ हाई से फेंकें फिर जाएं चिल्ली पाती वगैरह सब बहुत खेल हो, तो बेचारे पेड़ है ना चढ़ पाऊँ। हम लोग गाँव वाले सन्ने से आवाएँ, पिढ़ारा से चढ़ जाएँ, डार से चढ़ जाएँ, कूद के चढ़ जाएँ, ऊपर से कूद पड़े कुछ ना हो, वो लोग केवल बैठे नीचे देखें। हम लोग जाएं तालाब में कूद कूद नहाए, नदी में कूद कूद नहाए, और नदी के किनारे बैठे गिलास लेके जाएं अम्मा से नहाए, क्यों? पूरे बचपन, पूरा बचपना हम लोगों का नदी में बीता, तालाब में बीता, पेड़ में चढ़े, सारी दोपहरी आमा भी नहीं। हम लोग तो बैर की बैर के पेड़ में भी चढ़ के पकी बैर तोड़ने, उसमें कांटा होता है गाँव, और उसकी कोई ट्रेनिंग ली आपने? नहीं, कोई ट्रेनिंग नहीं लेता गांव का आदमी, पेड़ में चढ़ लेता है, कटीले पेड़ में चढ़ ले, बेल में चढ़ के बेल तोड़ ले, पका पका फुनगी में चढ़ ले, दूसरे के आमा में चढ़े को सामने से चढ़ के उतर के पीट पाट के चला आवे। एक बार हो सकता है अपने आमा में चढ़ना थोड़ा कठिन हो, दूसरे का पेड़ कितना भी कठिन हो आदमी कहीं ना कहीं से जुगाड़ बना। ये मैं आपको इसलिए कहता हूँ कि जिसकी लोग यहाँ कहते हैं कि 500 रुपया महीना दे यहाँ जो है तैरना सीखना है, बालक है मेरे छोटे छोटे, तो इनकी मम्मी बोली कि ऐसा है इनका नाम लिखा दे, हम कहें ना कहें कि स्विमिंग पूल में कर गाँव जाओ, पूरा जून गांव जाओ, कोई ट्रेनिंग नहीं, गांव वाले लड़कन के साथ छुट्टा छोड़ दे, सवेरे छोड़ दे फंजा क्या हुआ, और देखो इसी एक महीना में पेड़ चढ़ साइकिल चलाऊ तैरम गरियाऊ
विदाउट ट्रेनिंग लेके आएगी। तो देखो, कुछ अच्छी चीज सीखेंगे तो कुछ बुरी तो सीखेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। फिर आप बुरी बुरी चीज हटाओ, अच्छा अच्छा चीज। तो इसके लिए हम कभी चाहे वो 500 नहीं, 5 रुपया दें तो हमसे पहले सीखे खातिर न दे भाई, जरूरत ही नहीं। गाँव जाओ, ऐसे छोड़ो, वहाँ छोटे छोटे लड़का चले पहले, बाद में सीखे थे सारे तैरे, पहले सीखे थे, ठीक हो गया। तो खैर, मैं आपको इस विषय में बताने लगा था कि चापेश गुणच्छेदाह आसन और प्रजानाम गुणच्छेदाह नान, गवाक्षे सुजाल मार्गाह। हाँ, जो जालीदार मार्ग है, छोटे छोटे जो छेद हैं, वो गवाक्षों में तो था, रोशनदानों में तो छिद्र हुआ करते थे, लेकिन जाल मार्गता माने जाल साजी, नीचता, कहें कुछ और करें कुछ और, ऐसी जाल साजी प्रजाओं में। हाँ, कि 6 महीने के लिए 1 लाख जमा करो, 6 महीने बाद हम 2 लाख कर देंगे, इस प्रकार की जालसाजी जो चलती है, बहुत प्रकार से लोगों को ठगी जो चलती है, उस प्रकार की ठगी जालसाजी प्रजाओं में नहीं थी। केवल जाल मार्ग हुआ करता था किसमें? गवाक्षों में। शशि कृपाण कवचेशु, शशि माने चंद्रमा, कृपाण माने तलवार, और कवच जो अपनी रक्षा के लिए लोहे का कवच पहनते थे योद्धा, तो जब युद्ध क्षेत्र में जाते थे तो कवच में मान लो तलवार लगी तो उसमें कलंक लगता था, चिन्ह बनता था, या तो चंद्रमा में कलंक का चिन्ह दिखता था, और या तो योद्धा की तलवार है तो उसमें खून इत्यादि के धब्बे या कलंक दिखाई पड़ते थे, और कोई प्रजाओं में कलंकित व्यक्ति नहीं था। समझ में आ गया? जैसे मान लीजिए आप चोरी के केस में जेल गए हैं तो आपके जीवन में एक कलंक बन गया, या आपके ऊपर कोई अपराध सिद्ध हुआ तो आपका जीवन कलंकित हो गया। तो ऐसा प्रजाओं का जीवन कभी भी किसी भी अपराध के कारण कलंकित नहीं था। कलंक शूद्रक के राज्य में 3 ही लोगों में था, या तो चंद्रमा में था, या तो तलवार में था, और या तो कवच में था। तो लिख दिया शशि कृपाण कवचेशु कलंका आसन, लेकिन प्रजानाम कलंका ना आसन। ठीक है केदार जी, समझ रहे हैं ना पूरा? हाँ, ऐसा किसी के जीवन में कि मैं झूठ बोलूं, और मैं जिस केदार जी की बात करता हूँ ये बहुत झूठ झूठ नहीं बोलते हैं, साहब बंदगी वाले हैं, बड़े बड़े सज्जन हैं, लेकिन दुर्भाग्य से इनके घर में लोग इनका विवाह कर रहे हैं तो आजकल बड़े परेशान हैं। परेशान है मतलब कि विवाह इसलिए नहीं कि हमारा विवाह हो जाए, वेद प्रकाश को बड़ा आश्चर्य लगा, परेशान है वेद प्रकाश, परेशान है कि विवाह होए, अब वो परेशान है कि विवाह ना हो। अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी परेशानी है। बड़े नैष्ठिक हैं, बड़े ईमानदार हैं, और इनका जीवन बड़ा ही पावन है, पवित्र है, और रोज़ इनका सानिध्य मिलता है। झूठ नहीं बोलते हैं, मांसाहार नहीं लेते हैं, सबके यहाँ खाना नहीं खाते हैं, बहुत सात्विक जीवन है इनका, और लड़कियों से बहुत दूर रहते हैं। देखिए सबसे लास्ट में बैठे, देखिए सबसे अंतिम में बैठे हैं। तो इस दृष्टि से आप देखे होंगे, कभी किसी के चेहरे को देखकर आप नहीं समझ पाते। मैं बता इसलिए दें कि इनमें बड़ी खूबियाँ, बड़ी क्वालिटीज़ हैं। हम लोग यहाँ से जाते हैं तो अभी जाएंगे दारागंज में, सब लोग खाएंगे जो भी सब्जी रोटी दाल चावल जो बचा होगा, वो अभी जाएंगे घर बनाएंगे, फिर खाएंगे, फिर वहाँ आएंगे, शाम तक रहेंगे। तो कुछ क्वालिटीज़ हैं, आप इनको गुण कह लीजिए, आप इनको दुर्गुण कह लीजिए, कुछ मायनों में मैं इनको गुण कहता हूँ। जब जैसे मान लीजिए खाना बन रहा है, भूख लगी, नहीं खाते हैं तो मुझे लगता है ये दुर्गुण है। हम जैसे पावन पवित्र आदमी के यहाँ खा लेना चाहिए। दूसरी बात, गंगा जी के किनारे हैं, कोई हमारा तो नहीं है। आप ये भाव मानिए कि मेरा थोड़ी खा रहे हैं, यहाँ तो सब लोग खा रहे हैं। आप छात्र हैं, छात्र जीवन में मान लीजिए हम लोगों के साथ खा लेंगे, लेकिन फिर भी अपनी अपनी मानसिकता है, तो उनका भी अपना चल रहा है तो ठीक है चले। पर मैं सोचता हूँ, दुख होता है कि कोई खाना बनाने वाली मिल जाए, तो दुख ये है कि पता नहीं होकर बनावा खाएं ऐसा कर खुद बताओ मैं खबाब ही। आगे कहा रथ कलहेश दूत संप्रेषणानी, रथ कलहेश जब झगड़ा हो जाता था प्यार का, प्रेमी प्रेमिका का झगड़ा हो जाए, तब लोग समझौता कराने वालों को दूत भेजते थे। बाकी लड़ाई झगड़े में भी दूत भेजे जाते थे, तो शूद्रक के राज्य में कभी दूत संप्रेषण लड़ाई झगड़े को लेकर के हुआ ही नहीं।
जब कभी भी दूत या दूतनी भेजी गई तो ये भेजा गया कि जाओ कह दो कि मैं उसको बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसको बहुत प्यार करती हूँ। इस संदर्भ में पहले व्हाट्सएप था नहीं, फेसबुक वगैरह सब था नहीं, तो अब तो हम लोग अपना आदान प्रदान अपने से कर लेते हैं। पुराने ज़माने में प्रेमी प्रेमिका को मनाने के लिए किसी तीसरे की ज़रूरत पड़ती थी। बहुत बार ऐसा होता था कि जो जाता था मनाने वही सेट कर लेता था। इसलिए काव्य प्रकाश में एक उदाहरण है जो एक सहेली अपनी सखी से कहती है, यही कहती ना कि तुम तस्याधमस्यांतिकम, उसके पुरुष अधम के पास तुम नहीं गई थी। एक सिद्ध है, सही यह था कि उस अधम के पास गई, तुम ही ने रमण कर दिया, मनाने मेरे लिए गई थी और अपने लिए मना ली। इस प्रकार का भाव है। कभी काव्य प्रकाश पढ़ने को मौका मिलेगा तो देखिएगा। ये दूध संप्रेषण से मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले रति कलह जब होता था, झगड़ा होता था, तो कोई तीसरा आदमी या कोई तीसरा पुरुष या तीसरी कोई स्त्री उन दोनों को पास लाने में सहयोग करते थे। अभी भी बहुत बार ऐसा होता है। चंदन जी, आपको कुछ एक्सपीरियंस होगा कि जब आपका कभी किसी से बिगाड़ हुआ हो तो कोई आपका दोस्त मनाने गया। खैर, मैं जानता कुछ नहीं, मैं ऐसे बोल रहा हूँ। रथ कलहे सुदूत प्रेषणानी, और आगे लिखा सार्यक्षेषु शून्य गृहा। सार्यक्ष माने वो जो युद्ध क्रीड़ा करते हैं ना, जिसमें गोटी करते हैं, आपने चंदा पांसा खेला होगा, तो उस प्रकार के खेल में तो जो घर होते हैं ना, खाना बने होते हैं, वो खाने, वो घर तो खाली होते थे, पर प्रजाओं के घर कभी खाली, ठीक हो गया, ऐसा हो कि पति पत्नी हैं, उनके बच्चे ना हों, ऐसा नहीं हुआ कि मानो पति है पत्नी बीच में साथ छोड़ करके चली गई, बच्चा नहीं हुआ, ऐसा कभी घर खाली। और लोग विदेश में कमाने भी नहीं जाते थे, अपना देश इतना संपन्न था, तो इसलिए भी घर कभी खाली नहीं होता था। तो सारे क्षेत्र शून्य गृहा आसन, लेकिन प्रजा नाम ना आसन। कर लेंगे इसको, कोई दिक्कत? युद्ध क्रीड़ाओं में तो घर खाली मिलते थे, लेकिन प्रजाओं के घर कभी खाली? बस आज इतना ही रहने दीजिए, अगली बार फिर हम आपसे आगे चलेंगे तो बताएंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।